बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अय्युहल मुशाहिदुल करीम, तहियती इलैका अन यजअलक अल्लाहु आमिनन। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हमारे मुल्क में अमन व इस्तेहकाम कायम व दायम रखे और हमें हर किस्म की तकलीफ से जो उसके कब्ज़े में है महफूज रखे। आज हम रमज़ान की हिकमत को आगे बढ़ाते हुए कुरानी असलूब पर रोशनी डालेंगे और रमज़ान की खसूसियात का जिक्र करेंगे। रमज़ान अरकान इस्लाम का बुनियादी रुकन है और तमाम अरकान आपस में जुड़े हुए हैं। इसके बगैर इस्लाम की इमारत खड़ी नहीं हो सकती। रोज़े का बुनियादी मकसद, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कुछ इस तरह से बयान फरमाया है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग तकवा इख्तियार करो। अल्लाह तबारक व तआला के हर हुक्म में इंसान के लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। यहाँ इस बात का जिक्र ज़रूरी है कि अल्लाह के तमाम अहकामात इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक हैं और इसमें इंसान के लिए आसानी है। रमज़ान की बुनियाद रवादारी, बर्दाश्त और बाहमी इत्तेहाद और इत्तफाक पर कायम है। तमाम उम्मत मुस्लिमा चाहे इनफरादी तौर पर हो या इज्तमाई तौर पर, एक ही वक्त में यानी तलुए फजर के वक्त रोज़ा रखते हैं और एक ही वक्त में यानी ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त इफ्तार करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी निज़ाम कायनात की तरफ हमारी तवज्जो मबजूल करवाता है कि पूरी कायनात उसके हुक्म के ताबे है। मोहतरम नाजरीन, इस आयत करीमा और अल्लाह की निशानियों को सामने रखते हुए तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है कि अपने अंदर इत्तेहाद व इत्तफाक पैदा करें और यही तकवा का असल मकसद है। और हम पर लाजिम है कि अपनी सरजमीन को हर किस्म की दहशत गर्दी और तासुब से पाक कर दें। वअन यजअलहू खालिसन लिवजहिही सुब्हानहू व तआला हत्ता यजज़ियना बिही मा हुवा अहलुहु वल्हम्दुलिल्लाहि अव्वलन व आखिरा।